प्रीसेट के लिए मैंने 4 ईयर मेहनत किया है कंटिन्यू। अच्छा। मैं हरियाणा से सीखा हूँ और हरियाणा में मैंने काफ़ी दिन म्यूज़िक किया है। हरियाणा के बाद ही मैं अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में आया था। उसके पहले सबसे फर्स्ट में मैंने मतलब बोले तो इस सिंगर से थोड़ा सा सिंगर लाइन से लोग हट के बोले तो एक भैया हैं यश मिश्रा जी। अच्छा। हीरो हैं भोजपुरी के, आप लोग जानते होंगे। बिल्कुल। उनका मैं गाना बनाया करता था हमेशा, उनको भी काफ़ी शौक़ है, बहुत शौकिया गाते हैं, बहुत प्यार से गाते हैं। तो एक बिटिया रानी करके हम लोगों ने गाना बनाया था भाई, सबसे पहले हीरो गाना बन गया 8-10 साल पहले। अच्छा अच्छा। 10 साल पहले की बात है, तो 10 साल पहले आदमी कोशिश रहे बन में कि तो बस थोड़ा उतना ठीक हो गई चाहे हीरो बने खाती जो बहना थोड़ा से। नमस्कार भैया, मैं हूँ सोनू सत्या और आप सब देख रहे हैं साई न्यूज़ सीरीज। तो आप लोगों का इंतजार रहता है जो कि आर्या भैया, जो कि आप लोग काफ़ी नाम इनका सुने हैं, जो कि आखिरकार मैं कुछ अलग जानूंगा इस इंटरव्यू के माध्यम से, जो कि इन्होंने एक ऐसा अपना नाम और अपना पहचान डाल दिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। कोई भी सिंगर चाहते हैं कि भैया आर्या शर्मा जी से हमें म्यूजिक होना चाहिए, मतलब इनका जो ट्रैक में है, जो म्यूजिक का जो वोकल जब करते हैं तो मतलब अलग इफेक्ट डालते हैं। क्या डालते हैं, क्या जादू नहीं डालते हैं, जो कि मतलब ब्रांड बना देते हैं एकदम कला, छोटे कलाकार से लेके खेसारी लाल यादव तक की इन्होंने काम किए हैं, जो कि आज भैया से जानेंगे और कुछ अलग जानेंगे, स्ट्रगल पीरियड सारा चीज़ जानेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस इंटरव्यू को एंड तक ज़रूर देखिएगा। खुलता हूँ तो भैया साई न्यूज़ से जन जन स्वागत है सबके, साई न्यूज़ देखे वाला सब भाई लोग के प्रणाम बा। और आज काफ़ी दिन बाद हम पटना आई बनी, काफ़ी दिन हो गए एक्चुअली, और अभी हम लोग सेटअप पे हैं शूटिंग पे। बिल्कुल। शूटिंग यहाँ जारी है, बहुत सारे लोगों का चल रहा है, मेरे बहुत सारे कंपनीज हैं जिसका काम है चालू हुआ है। अच्छा, और उन लोगों का कंटिन्यू शूट चल रहा है। भैया तो, आप अपने ऑडियंस को बताइए आप कहाँ से रहने वाले हैं। मैं बिलोंग करता हूँ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, मांझागढ़ मेरा घर हुआ, और वहीं से अपना सारा कुछ मैंने स्टार्ट भी किया था जर्नी। अच्छा, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, आप सब लोग तो जानते हैं खेसारी लाल यादव, हर एक लोगों का आप काम करते हैं, लेकिन कुछ जिस समय आप स्टूडियो नहीं था, जिस समय आप अच्छे लोगों के साथ काम नहीं करते थे स्टार लेवल के साथ, उस समय आपकी बैकग्राउंड क्या है, जो हमारे ऑडियंस को बताइए ताकि वो लोग जानेंगे, ताकि कुछ लोग इंटरव्यू देखने से काफ़ी मोटिवेट होते, कुछ कुछ सीखते, वो आप अपने लाइफ के बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूँ कोई भी काम, और स्ट्रगल पीरियड में मेरे काफ़ी सारे लोग हमेशा से साथ में रहे हैं और अभी भी हैं, जो पहले थे वो अभी भी हैं और हमेशा रहते हैं। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है और इतना ज़्यादा वो लोग हमसे प्यार करते हैं। मैं तो सबसे पहले तो मैं अभी भी जीरो हूँ, उस टाइम भी जीरो था। मेरे साथ काम करने वाले लोगों का देन है कि मैं आज यहाँ पर हूँ, बाकी मेरा कोई नहीं, जीरो। वो तो है ही। अच्छा भैया, जैसा कि पहले आपका पटना में स्टूडियो था, अब दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, तो ये सब संभव कैसे हो पाया, मतलब कैसे मैनेजमेंट और कैसे अपने माइंड को क्रिएट किए कि मुझे इतना चीज़ करना चाहिए ताकि लाइफ में कुछ अलग हो, कुछ बेहतरीन काम हो, और इतना लोग के पास सारा काम आपके पास जाता है, तो कैसे मैनेजमेंट करके देते हैं आप लोग? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है भाई, पहला ऐसे न्यूज़ वाले हैं जो ये बात पूछ रहे हैं, ऐसे बहुत लोगों ने पूछा है घुमा घुमा के। देखिए, क्या होता है ना, सबसे पहली बात, जो इंसान का माइंड होता है वो वर्क के हिसाब से बहुत कैपेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कि आप करते क्या हैं। मैं बहुत सारे स्टूडियोज ही डाल लूँ, बहुत सारे मेरे ब्रांच ही हो जाए और काम ना होए तो कोई भी मतलब नहीं है, और कोई भी उसका ये नहीं है। और जो ये संगीत चीज़ है, जो संगीत भगवान का देन है हम लोग के पास, तो वो हम लोग नहीं होता है कि एक कुछ लोग अभी तो क्या बोले, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरीके से बिजनेस हो गया जी, बट वो तो है। काम को अगर आप दिल से करिएगा ना, तो मुझे लगता है कि एक क्या दिन में आप 1000 भी ऑडियो बना सकते हैं। अच्छा। फिर मैं सेटअप पे हूँ पूरे दिन, फिर भी मेरे लोग जो हैं, मेरे साथ टीम है जो मेरी काम कर रही है। बिल्कुल। साथ ही साथ बाकी बैकएंड सपोर्ट में मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने वाली हैं। मैं अभी मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा प्लानिंग हमारा चल रहा है खुद का, और खुद के प्लानिंग के बाद पहला मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे पहले मेरे इंटरव्यू पड़े होंगे यूट्यूब पे, पहला है। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द, खास करके मेरे जितने भी सिंगर भाई लोग हैं, मेरे से जितना हेल्पफुल हो सकता है, मेरा कुछ सपना है देख के, वो भी खासकर सिंगर भाई लोगों के लिए, मेरा खुद का सपना है जो आप लोग के साथ साकार करने वाले हैं। बस बने रहिए साई न्यूज़ पे, तो बने ही है, नेक्स्ट अपडेट में मैं बिल्कुल खुलासा करूँगा। अच्छा भैया, जिस समय आप उतना लोगों के साथ नहीं काम करते, तो पहली बार किनका सॉन्ग आया था जो कि आपको काम करने के लिए, जैसे खेसारी लाल यादव हो गए, प्रमोद प्रेमी, कल्लू भैया, बहुत सारे कलाकार, इनमें से पहले किनका आपके माध्यम से काम करने का मौका मिला? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊँगा एकदम स्टार्टिंग, हाँ मैं तो अगर
जो चर्चित कलाकार हैं जिनको लोग जानते हैं, सबसे फर्स्ट में मैंने मतलब बोले तो इस सिंगर से थोड़ा सा सिंगर लाइन से लोग हट के बोले तो एक भैया हैं यश मिश्रा जी। अच्छा, हीरो हैं भोजपुरी के, आप लोग जानते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका मैं गाना बनाया करता था हमेशा, उनको भी काफ़ी शौक है, बहुत शौकिया गाते हैं, बहुत प्यार से गाते हैं। तो एक बिटिया रानी करके हम लोगों ने गाना बनाया था उनके ही यश कुमार इंटरटेनमेंट के लिए, और उसके बाद मैंने काम किया था तो भरत भोजपुरिया जी। अच्छा, जो अपने भोजपुरी इंडस्ट्री से सिंगर हैं उनका हम लोगों ने किया था। उसके बाद धीरे धीरे तो काफ़ी लोगों का काम जैसे आते रहे करते रह रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, खेसारी भैया के साथ तो आप काम कर चुके हैं, जब आपके पास आते हैं तो क्या रिलेशन रहता है, क्या मज़ा आता है बैठने के साथ उनके साथ काम करने में? मतलब जितने भी भैया लोग हैं बड़े स्तर पर लोग काम कर रहे हैं, मेरा सबसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और सबके साथ मेरा अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, एकदम छोटे भाई की तरह मानते हैं लोग काम करके। कभी ऐसा लगा नहीं कि बहुत बड़े स्टार हैं तो ये वगैरह, ऐसे कभी बात ही नहीं होती है। अच्छा। बहुत प्यार से मुझे खास करके, बाकी लोग के साथ कैसा कम्युनिकेशन है मुझे नो आइडिया, बिल्कुल भी आइडिया नहीं, मेरे साथ बहुत स्ट्रांग है और सबके साथ है, मैं बिल्कुल बिंदास काम करता हूँ। चले जाए इंडस्ट्री में कोई भी हो, सबके साथ मेरा किसी से। जब यहाँ खेसारी भैया के साथ तो आप काम कर चुके हैं, लेकिन कभी आप सोचे पावर स्टार पवन सिंह के साथ उनका कुछ काम करने का ऑफर आए, या कभी आपका कभी उधर से कुछ? आपके पावर स्टार जी के लिए मैं बहुत काम किया हूँ। अच्छा, अब जाके देखिए वर्ल्ड वाइड कंपनी के मतलब चैनल से एक गाना है, देवी गीत होगा। अच्छा। सोना सिंह डुइट गाई है और कौन भैया गाए हैं, काफ़ी अच्छा चला था। वन डेज 5 मिलियन हमको लगता है उस टाइम का पहला ऐसा गाना था, अभी तो कौन भैया का अच्छा खासा व्यूज जा रहा है उस टाइम का। वन डेज 5 मिलियन वो भी भक्ति गीत मायने रखता है, तो वर्ल्ड वाइड कंपनी के माध्यम से गाना था। उसके बाद मैंने ऐसी फिल्म के लिए किया शेरावाली का शेर, राइटर यादव राज और मेरा म्यूज़िक था, कौन भी यहीं गाए थे। और उसके बाद हम लोग पनिया में डूबे हुए करके छठ गीत था, लिखे थे विजय जी, विजय चौहान। हाँ। और म्यूज़िक मैंने दिया था, कौन भी यहीं गाए थे, काफ़ी सारा गाना था। और आते रहता है काम तो हम लोगों हर एक तरीक़ों से, फिल्मों में भी मैंने काफ़ी सारे गाने वाने किए हैं, करता भी हूँ। बट यही होता है कि सामने से जिसका आता है ऊपर देते हैं, बिल्कुल उसका ही करते हैं। अच्छा भैया, आपका इतना ब्रांच है, लेकिन आप कभी सोचे कि मुझे एक कंपनी खोलना चाहिए, और उस कंपनी से जो स्टार लेवल है से तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो कि उनसे भी अच्छे अच्छे गाने वाले बट उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर आप लोग के माध्यम से उनके लिए कुछ हेल्प है तो हमारी ऑडियंस को आप बताइए। हाँ, मैं अभी कुछ देर पहले बोला था कि एक सिंगर लोग के लिए प्लानिंग है, तो कुछ इससे रिलेटेड है। अच्छा। बट कंपनी कोई नहीं खोलेंगे, क्योंकि देखिए कंपनी हमारे बस की बात नहीं है चलाना, सिंपली इसलिए ना क्योंकि मेरा ये सोचना है कि अगर मैं खुद ही सिंगिंग करने लगूँ तो सिंगर क्या बनाऊँगा, मैं खुद ही कंपनी खोल लूँ तो कंपनी के लिए काम क्या करूँगा। तो टेक्निकल में मैं बहुत खुश हूँ और माता रानी की कृपा से जितना सोचता हूँ उससे अच्छा कर पाता हूँ। तो कहने का मतलब है सिंगर भाई लोगों के लिए मेरे जितने भी अच्छे गाते हैं, बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलेगा, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ मिलेगा, शायद मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आएगा तो आप लोग सरप्राइज रहेगा ये। अच्छा भैया, आप जब मिक्सिंग करते हैं तो वोकल में मतलब हम अजीब सा देखते हैं, आदमी को काफ़ी मिठास पसंद पड़ता है, मतलब कैसा आप एडिटिंग करते हैं कि सबसे अलग आपका म्यूजिक? वोकल प्रीसेट के लिए मैंने 4 ईयर मेहनत किया है कंटिन्यू। अच्छा। मैं हरियाणा से सीखा हूँ और हरियाणा में मैंने काफ़ी दिन म्यूजिक किया है, हरियाणा के बाद ही मैं अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में आया था, उसके पहले भोजपुरी ही करता था, वीडियो सेक्टर था, ऑडियो भी सेक्टर था, बट प्रॉपरली फिर जाके मैंने हरियाणा किया सारा कुछ, हरियाणा से फिर शिफ्ट हुआ मुंबई, तो फाइनली मैंने काम कर लूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप है, हिंदी हरियाणवी अपना बंगाली भी मैं बहुत करता हूँ, बंगाली मुझे समझ में प्रॉपर आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मिक्सअप करके अलग चीज़ बनाने का प्रयास रहा है हमेशा से मेरा। अच्छा भैया, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य भैया आपके लाइफ में क्या क्या पसंद है इंटरटेनमेंट से लेकर शुरू से लास्ट तक, क्या रहेगा चॉइस आपका? भाई सबसे पहले तो हीरो बनने का नियम, आज 8-10 साल पहले हो गए। अच्छा अच्छा, 10 साल पहले के बात है, तो 10 साल पहले आदमी कोशिश रहे बन में कि तो बस थोड़ा उतना ठीक हो गई, चाहे हीरो बने खाती जो बहाना थोड़ा सही उससे बढ़िया, जो काम आए लोग करे कि चाहिए बेस्ट। और अब तो वैसा कुछ रहा ही नहीं, पहले जीवन में बहुत सारी चीज़ें थी कि इंसान को ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ, मतलब एक जुनून नाम का चीज़ था, सोच तो कम से कम रहना चाहिए। बिल्कुल, तो एक्टिंग में भी ट्राई किया मैंने, कुछ नहीं हो पाया थोबड़े की वजह से। दूसरा बात, मैंने फिर से वीडियो डायरेक्शन में भी काम किया, बहुत सारी चीज़ें किया, वीडियो का हर एक सेक्टर पता है, मेकअप वेकअप दुनिया कोरियोग्राफी सब कुछ करने के बाद मुझे लगा कि नहीं अब इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। फाइनली फिर मैं म्यूज़िक करता था, म्यूज़िक मुझे पसंद भी था, तो म्यूज़िक जब मैं पटना से तो किया था, हरियाणा गया हरियाणा से भी किया, जब मुंबई मैंने फाइनल किया तो लोगों का उत्साह मेरे प्रति बढ़ा कि आप करिए बेस्ट कर रहे हैं,
फिर कंटिन्यू करने। बताइए सबसे ब्रेकिंग न्यूज ये आप लोग को मिल रहा है, क्योंकि आर्या भैया अभी तक कहीं नहीं पोल खोले थे कि पहले मैं आपको बता दूं, सबसे मोटिवेट करने वाले कोई भी लोग मतलब एकाएक यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, चाहे जो भी हो। भैया ने क्या बताया, आप लोग ध्यान से फिर से वीडियो को बैक करके देखिए क्या भैया ने बोले, पहले मैं एक्टर बनने के लिए आया, वहाँ पे सक्सेस इनके माध्यम से मुझे लगा कि ये लाइक मैं नहीं हूँ, खुद इन्होंने अनुभव किए। फिर उसके बाद वीडियो डायरेक्टरिंग, मेकअप, जितने भी टेक्नीशियन टीम होते, किसी भी माध्यम से सोचे थे कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन इनसे नहीं संभव लगा, फिर भी जाना है मुझे यहीं पे, लेकिन घूम करके यहीं पे आए, यही इंडस्ट्री में आए, क्यों माइंड लगा गए। तो प्लीज़ अगर जो भी सिंगर भाई होंगे तो प्लीज़ अपने लाइफ में तंग मत होइएगा कोई भी माध्यम से, अपने होने के बिल्कुल भी जरूरत बिल्कुल। अच्छा भैया, और जितने भी स्कूल सिंगर उनको कुछ अपने हिसाब से मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए। हमेशा से यही रहा है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हम तो सच्ची बोले तो मेरे ज़िले से हैं पंकज त्रिपाठी जी, उनको देख के मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। उन्होंने ज़िंदगी में अपने मुझे जहाँ तक पता है 35-38 के हो गए एज, तब उनको जाके कुछ उपलब्धि मिली, वेब सीरीज वगैरह बहुत सारे आप देखते हैं, हमारे ज़िले से ही हैं पंकज त्रिपाठी जी, और उनसे देख के मैंने बहुत मोटिवेट हुआ हूँ, हमेशा से होते आ रहा हूँ देख रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और खास करके संगीत के लाइन में कब किसकी किस्मत क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कौन सा गाना हिट हो जाए हम लोग को खुद पता नहीं रहता। हाँ, एक बेहतरीन प्रयास रहता है कि हमेशा हम लोग को अलग करके देना है। बिल्कुल बिल्कुल। चल भैया, आप शादीशुदा है या क्या? अभी तक तो कुमारे बनी है भाई। का प्लानिंग है, इंडस्ट्री के लोग से या गाँव के लोग से? शादी का जो मैटर है भाई वो फैमिलियर ही जाने। अच्छा। और हमारी अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरे भैया बचे हुए हैं, भैया लोगों की शादी नहीं हुई। हाँ, खुद से मेरा 24 का तो अभी हुआ हूँ। चलिए, ओरिजिनल आईडी नहीं, आईडी पे बहुत कम बार ओरिजिनल बताओ तो नहीं। तो कहने का मतलब अभी भैया वगैरह की होगी तो फिर देखा जाएगा। अच्छा भैया, इधर कुछ नया खेसारे भैया के लिए स्पेशल? भैया के साथ अभी गाना आ रहा है कंटिन्यू, अभी कुछ गाने का प्लानिंग हुआ है, हो सकता है तो चैत काय का गाना अच्छा आप लोगों को देखने सुनने को मिलेगा, प्लानिंग चल रहा है। जैसे अभी तो भैया तो सेटअप पे हैं, बोल रहा था बोल का शूटिंग चल रहा है, उधर से फ्री होंगे तो फिर देखा जाएगा। थैंक यू भैया, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो भैया मैं बता दूँ कि थे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर आर्या शर्मा भैया, जो कि आप लोग जानते ही हैं। तो एक छोटा सा इंटरव्यू आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो पाएगा आप लोग शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।